Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामु अलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 23 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज। हज का पुरसकून इख्तिताम, जुमेरात को रमिया जमार और विदाई तवाफ के साथ हज 2021 का पुरसकून तौर पर इख्तिताम अमल में आया। पांच रोजा मनासिक हज के आखिरी दिन हुज्जाज इकराम ने जमरात ने शैतान की अलामत को कंकर मारे और मक्के मुकर्रमा में काबतुल्ला का विदाई तवाफ किया। सऊदी अहदेदारों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमलावरी के जरिए हज के पुरसकून इनेकात पर इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि मनासिक हज के दौरान कोई भी हाजी वायरस के लिए मुस्बत नहीं पाया गया। चाइना में बदतरीन बारिश के सबब सैलाब, 33 अफराद हुए हलाक। वस्ती चाइना में शदीद तरीन बारिश के सबब आने वाले सैलाब की वजह से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 33 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक हफ्ते से जारी बारिशों से सबसे ज्यादा चीन का सूबा हेनन मुतासिर हुआ है। गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद खराब मौसम की वजह से मजीद शहर जेरियाब आ गए और फसलें तबाह हो गई। चीन के सरकारी खबर रसा इदारे ने अब तक 18 करोड़ 90 लाख डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया है। बरतानिया में गर्मी की शदीद लहर, 14 अफराद हलाक। बरतानिया में जारी गर्मी की शदीद लहर के दौरान 14 अफराद हलाक हो गए। तमाम हलाक अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर पुल्स या दरिया में नहाने के दौरान डूबकर हलाक हुए। बरतानिया में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। पेनामा में 6.9 शिद्दत का जलजला। शुमाली अमेरिकी मुल्क पेनामा में 6.9 शिद्दत का जलजला आया। ये जलजला सतह जमीन से 22 किलोमीटर गहराई में आया, जिसके बाद किसी किस्म की सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई है। सोने की कीमत में 264 रुपए की कमी। सोने की कीमत में 264 रुपए की कमी और चांदी की कीमत में 4 रुपए इजाफा हुआ। इस इजाफे से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को फी 10 ग्राम सोना 46,452 रुपए का हो गया, जबकि 1 किलो चांदी 65,484 रुपए की हो गई। मानसून सेशन का तीसरा दिन भी पेगासस मामले की नजर हो गया। वजीर आईटी से कागजात छीनकर फाड़ दिए गए। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही, पीएम की मदद की यकीन दहानी। महाराष्ट्र में मानसून के कहर ने जिंदगी को पानी पानी कर दिया है। रियासत के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं, आम जिंदगी ठप है, हालात अब सैलाब जैसे हो चुके हैं। रियासती हुकूमत दिन रात बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। साथ ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया है। बाबरी मस्जिद की शहादत में सरगर्म हिस्सा लेने वाले साबिका कार सेवक बलबीर सिंह का हुआ इंतकाल। शहादत बाबरी मस्जिद में सरगर्म हिस्सा लेने वाले साबिका कार सेवक बलबीर सिंह, जो बाद में मुसलमान हो चुके थे, उनका नाम मोहम्मद आमिर था, वो इंतकाल कर गए। इनका पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर में इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि मरहूम के अफराद खानदान 2 दिन पहले पड़ोसी रियासत कर्नाटक गए हुए थे और आज वापस लौटने पर उनके मकान में मुर्दा पाए गए। शुबा किया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मोहम्मद आमिर की मौत हुई है, जबकि पुलिस कंचनबाग ने भी इनकी मौत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी साजिश हुई नाकाम, सिक्योरिटी एहलकार ने ड्रोन को मार गिराया, आईईडी हुई बरामद। जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकार ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अखनूर में एक ड्रोन को मार गिराया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ड्रोन में एक आईईडी भी नस्ब किया गया था। ख्याल रहे कि 27 जून को हिंदुस्तानी फिजाइया के स्टेशन पर धमाका करने में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था और इसके बाद से रियासत में ड्रोन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया का मुखालिफ इनकाउंटर में मारा जाएगा, यूपी वजीर ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश के वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला ने मारूफ शायर मुनव्वर राना के मुतनाजा बयान पर कहा कि जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ होगा वो इनकाउंटर में मारा जाएगा। मुनव्वर राना ने चंद दिन पहले कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो रियासत को छोड़ने पर गौर करेंगे। मुनव्वर राना ने सदर मजलिस असद ओवैसी के उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में दाखिले पर भी सवाल उठाया था। मारूफ हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा, अपोजिशन ने इसे प्रेस की आजादी पर बुजदिलाना हमला करार दिया। आधी सदी से इंसाफ का इंतजार करने वाले 108 साल शख्स का हुआ इंतकाल। 108 साल गायकवाड़ सन 1968 से इंसाफ के मुंतजिर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके केस की समाप्त पर रजामंदी जाहिर की तो अदालत को बताया गया कि मुद्दई इस दुनिया में नहीं रहे, चंद घंटे पहले उनकी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के रहने वाले 108 साल स्विपिन सरसंघा गायकवाड़ जमीन के तनाजे के अपने केस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाप्त के लिए मंजूर किए जाने की भी खबर सुनने के लिए जिंदा नहीं रह सके। केस का फैसला तो न जाने कब आता, वो सन 1968 से इस केस के फैसले के मुंतजिर थे, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने इसे मुस्तरद करने से पहले 27 वर्षों तक अपने पास जेर इल्तवा रखा। बाद में उन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरंगल में शदीद बारिश, कंट्रोल रूम का ख्याम। वरंगल की मेयर जी सुधा रानी ने आवाम की मदद के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं और कहा है कि बारिश की वजह से परेशान हाल आवाम इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं
1800425 1980, 9701999645, 7997100300, 7901628410, 08719298526 या 08719240400 या 7995074803 या 1800425 3424 या 9154252937 इन नंबर्स पर आवाम कांटेक्ट कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर 100 पर भी डायल कर सकते हैं। तेलंगाना के कई मुकामात पर सैलाब की सूरत हाल, रेड अलर्ट हुआ जारी, ओहदेदार हर लम्हे चौकस रहें, जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर की हिदायत, मजीद 2 दिन शदीद बारिश की है पेश क्यासी। बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र हैदराबादियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से। हेल्पलाइन नंबर है 0402955500। बारिश की किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बारिश के दौरान बर्फी सरबराही में खलल अंदाजी को रोकने ब्रेकडाउन टीमें हुई मुतहर्रिक। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के दौरान बर्फी सरबराही में खलल पर फौरी मरम्मत के कामों के लिए ब्रेकडाउन टीमों को मैदान में उतार दिया गया। ट्रांसको जैनको की CMDD प्रभाकर ने बताया कि रियासत में बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के दरमियान सैलाब से मुतासर इलाकों के साथ साथ हैदराबाद में ब्रेकडाउन टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। उन्होंने वाजे किया कि बारिश के दौरान बर्फी सरबराही में खलल अंदाजी न हो इसके लिए फौरी मरम्मत के काम करने के लिए ब्रेकडाउन टीमें तैयार हैं। आसिफाबाद जिले में पानी में फंसे 40 अफराद को बचा लिया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में जुमेरात की रात 40 अफराद ब्रिज पर पानी में फंस गए थे। पुलिस ने रात देर गए तक तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। जुमे की सुबह 4 बजे ये तमाम बाहर निकाल लिए गए। ये वाकया वांगड़ी मंडल के कोमाती गुड़ा गाँव में पेश आया था। हैदराबाद में 10 बरसों के दौरान जुलाई में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश। हैदराबाद में यकुबता 22 जुलाई 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 10 बरसों में जुलाई में होने वाली शदीद बारिश है। जुलाई में 1989 में 422.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी दौरान शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलसल बारिश के नतीजे में कई नशीबी इलाके और कॉलोनियां ज़ेर-आब आ गईं। निर्मल और भैंसा के कई इलाके पानी में महसूर। जिले निर्मल में मौसलाधार बारिश की वजह से सैलाना कुडम और भैंसा गेडन वागू प्रोजेक्ट में भारी सैलाब का पानी जमा हो रहा है। हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलकर पानी को नीचे छोड़ दिया, जिससे भैंसा के आटूनगर में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया। जैसे ही अचानक दरवाजे खोले गए, आटूनगर और NR गार्डन के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। फायर फाइटर्स और यार्ड तैराकों ने सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 150 अफराद को बचाया और इन्हें महफूज इलाकों में मुंतकिल किया। भैंसा में आबी सूरत हाल का बैरस्टर अवैसी ने लिया जायजा। इकदामात करने सदन नशीन बल्दिया पर जोर, काउंसलर्स को अपने इलाकों में रहने और आवाम की मदद करने की दी हिदायत। रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से भैंसा बल्दिया के हुदूद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बैरस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने भैंसा में आबी सूरत हाल का जायजा लिया। बैरस्टर ओवैसी ने सदन नशीन बल्दिया भैंसा जनाब जाबिर अहमद से फोन पर बात करके सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और जाबिर अहमद को हिदायत दी कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखें। मजलिसी काउंसलर्स को हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में सतयाब पर नजर रखें। शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर बर्फी घंटों तक बंद रही। ईद की सरगर्मियां भी मुतासिर, मुमताज अहमद खान का ओहदेदारों से रब्त, सोहेल कादरी ने किया एहतजाज। याकूतपुरे में भी बर्फी मजदूदी की मुसलसल शिकायत पर अहमद पाशा कादरी ने किया दौरा। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहैदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशन्स आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।